रीवा में ऑटो चालक के साथ मारपीट कर लूट किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। बदमाशों ने ऑटो चालक के साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि उसके पास से दिन भर के मेहनत की कमाई भी लूट कर फरार हो गए। मैं गया था संस्कार दहन में गए थे बुकिंग लेके, तो संस्कार दहन पहुँच गवा था, वहाँ से लौटे रात हो गई। मेरा भतीजे बुलाया थे चाचा आओ यहाँ, इसके बाद गए बिल्कुल नहीं बोला, गाली गलौज की और मारने लगा। इसके भी बाप आए, बाप के बाद दोनों लाठी डंडा से मार दी गई। हाँ बस वही मारे थी कि मोबाइल और पर्स मेरा, और वही बुकिंग का पैसा था और चलाने का पैसा, मतलब 2000 के लगभग था। कितने लोग थे? दो आदमी। कहाँ जा रहे थे? घर। क्या कर रहे थे? ऑटो चलाते थे। ऑटो चलाते थे। शनिवार शाम 8 बजे थी। घर के पास समझे घटना के बाद पीड़ित लहूलुहान हालत में थाने पहुंचा और अपने साथ हुई घटना की शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस ने घायल ऑटो चालक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है और घटना में शामिल आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल ऑटो चालक से मारपीट कर लूट का यह मामला शहर से सटे सगरा थाना क्षेत्र का है। घटना के संबंध में पीड़ित राजभान साकेत ने जानकारी देते हुए बताया कि सगरा थाना क्षेत्र का वह रहने वाला है। पीड़ित के मुताबिक जब वह ऑटो की बुकिंग से वापस लौट रहा था तभी रास्ते में बदमाशों ने उसे रोक लिया और मारपीट करते हुए उसके पास रखे 2000 रुपए की नकदी सहित मोबाइल छीनकर फरार हो गए। बदमाशों द्वारा की गई मारपीट से ऑटो चालक को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे फिलहाल उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।